ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। जी हाँ, ये संभव है अंक शास्त्र के जरिए। तो गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका जीवन कैसा होगा, आपका आने वाला कल कैसा होगा, किससे आपको संभल कर रहना है, किन कामों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, किसकी तरफ आपको बढ़ना चाहिए। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आज के लिए जानते हैं कि अंक शास्त्र आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आएगा। मूलांक एक, मूलांक एक के जातक आज शुरू किए गए सभी काम जो हैं सफलतापूर्वक पूरे होंगे। सामाजिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी, लेकिन सामाजिक संस्था के साथ जुड़ने का मौका भी मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। उपाय करें, सफल होंगे, गुड़ खाकर घर से बाहर निकले। मूलांक दो के जातक आज आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। हर क्षेत्र में स्थिति आपके अनुकूल होगी, जिस कारण मानसिक सुख तो आपको मिलेगा ही, कारोबार में भी आपके प्रतिद्वंदी आपके सरल स्वभाव की प्रशंसा करेंगे। उपाय करना है, रात्रि में दूध का सेवन वर्जित करें। मूलांक तीन के जातक अंक शास्त्र के अनुसार व्यवसाय के महत्वपूर्ण निर्णयों में घर के बड़ों की सलाह अवश्य लेने की सलाह दी जा रही है आपको। व्यापार में आर्थिक स्थिति आशाजनक तो होगी, पिछले किए गए निवेश से भी आज लाभ मिलता दिख रहा है। विद्यार्थी अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर दिखाई देंगे। उपाय भी करें, सोना बेचने या गिरवी रखने से बचना है। मूलांक चार के जातक आज व्यक्तिगत मामलों को सोच समझ कर निर्णय लेने की आवश्यकता है। आर्थिक मामले कुछ उलझ सकते हैं। ससुराल पक्ष से कोई मेहमान घर आएगा, जल्दी पैसा कमाने के लिए किसी भी प्रकार के गलत काम का सहारा ना लें। उपाय करें, खराब विद्युत का सामान घर में वर्जित करें। मूलांक पांच के जातक आज व्यक्तिगत निर्णयों में दूसरों की अपेक्षा अपने निर्णयों पर भरोसा करें। सेल्फ डिपेंडेंट बने परिजनों के साथ चल रहे तनाव को सुलझाने में सफल आप होंगे। जंक फूड खाने से बचना है। विद्यार्थियों को आज कोई खुशखबरी मिल सकती है। उपाय करें, गौशाला में सेवा दें। मूलांक छह के जातक आज कला से जुड़े व्यक्तियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर बहसबाजी तो हो सकती है, संयम और धैर्य से ही स्थिति को संभालने की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में सभी स्थिति आपके पक्ष में हालांकि है। उपाय भी करें, गाय को गुड़ खिलाएं। मूलांक सात के जातक आज साझेदारी में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। परिवार के साथ यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। व्यापार में अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें। नौकरी में बदलाव की कोशिश करने हैं तो सफलता मिल सकती है। उपाय भी करें, काले तिल दूध में मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। मूलांक आठ के जातक प्रॉपर्टी की खरीद बेच के लिए आज का दिन अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक काम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी दिन अनुकूल साबित हो रहा है। उपाय करें, काली उड़द की दाल मंदिर में दान करें। मूलांक नौ के जातक आज व्यापार में अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा करने से बचें। जब तक काम सफल ना हो उसके बारे में ना बताएं, और नए काम को शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल साबित हो रहा था, पर इसमें थोड़ी बहुत अड़चनें आ सकती हैं। आज पैसा उधार देने से बचना है। विद्यार्थियों को भी परीक्षा से जुड़ी कोई खास जानकारी मिल सकती है। आज उपाय करें, भाइयों का ध्यान रखें और उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें।